कोरबा पुलिस द्वारा दिया गया बलवा ड्रिल का अभ्यास पुलिस और कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में किया गया। रिहर्सल पुलिस अधीक्षक कोरबा रहे उपस्थित। पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देश पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल परेड का रिहर्सल किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भोज राम पटेल स्वयं उपस्थित रहे। बलवा ड्रिल का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बलवा ड्रिल के महत्व को समझाते हुए भोजराम पटेल द्वारा बताया गया कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून अव्यवस्था की स्थिति से निपटने हेतु कई बार पुलिस को बल का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। बल प्रयोग कब और किस सीमा तक किया जाना चाहिए यह घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखने हेतु बल प्रयोग किन परिस्थितियों और किस सीमा तक किया जाना चाहिए इसकी जानकारी सभी पुलिस अधिकारियों और कार्यपालक दंडाधिकारियों को स्पष्ट होना चाहिए ताकि मानव अधिकारों की रक्षा हेतु कम से कम बल प्रयोग कर कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बलवा परेड का नेतृत्व अभिषेक वर्मा के द्वारा किया गया। कार्यपालिका दंडाधिकारी के रूप में अतिरिक्त कलेक्टर सुनील नायक, एसडीएम हरीश शंकर पैकरा, तहसीलदार पंचराम सलामे सहित अन्य कार्यपालिक दंडाधिकारी उपस्थित रहे। रक्षित निरीक्षक अनंतराम पैकरा द्वारा कानून व्यवस्था में लगे बल के कमांडर की भूमिका निभाई गई। दंगा फसाद कर रहे बलवाइयों को पहले चेतावनी देकर बिखर जाने का आदेश दिया गया। इसके पश्चात वाटर कैनन का इस्तेमाल, अश्रु गैस का प्रयोग, बेंत और लाठी का प्रयोग कर दंगा समाप्त करने का प्रयास किया गया। सभी प्रयास असफल हो जाने पर अंत में गोली चलाने का प्रयत्न किया गया। दंगा समाप्त होने के पश्चात घायलों को अस्पताल पहुंचाने, उनका उपचार कराने और संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ ट्रैफिक डीएसपी शिवचरण परिहार, रक्षित निरीक्षक अनंतराम पैकरा, सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप सहित जिले के सभी थाना चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 36 हिंदुस्तान।